शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 15 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 15 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों फरवरी माह के दूसरे सोमवार को हर साल 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार फरवरी का दूसरा सोमवार 14 फरवरी को था, इसलिए 14 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया। और दोस्तों मिर्गी और मिर्गी रोगों के बारे में जागरूकता एवं जानकारी बढ़ाने के लिए 14 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एयर इंडिया के नए MD CEO इलकर ICG के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में एयर इंडिया को टाटा ने खरीदा था, इसीलिए अभी टाटा सन्स ने एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में इलकर ICG को नियुक्त किया। और दोस्तों इलकर जी इससे पहले टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। और दोस्तों हाल ही में विक्रम देवदत्त जी एयर इंडिया के नए MD CEO के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो हाल ही में एयर इंडिया के नए MD CEO जी के रूप में इलकर ICG को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी माह के लिए किगन पीटरसन जी को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के रूप में मनाया गया नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ICC ने अभी कैंपेन शुरू किया था कि हर महीने एक मेंस और एक वुमेन्स को ICC में प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना जाएगा। तो अभी जनवरी माह के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी किगन पीटरसन जी को ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द मंथ के रूप में प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया। और इंग्लैंड वुमेन्स टीम की कप्तान हैथर कनाइट जी को ICC वुमेन्स जनवरी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 के रूप में चुना गया। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी माह के लिए किगन पीटरसन और इंग्लैंड वुमेन्स टीम की कप्तान हैदर नाइट जी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों फिर से एक बार जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अभी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में इनका यह दूसरा कार्यकाल होगा फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर जी का। इनको अभी जर्मनी के राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में मिया मोटली जी बारबाडोस की प्रधानमंत्री जी बन चुकी थी। और दोस्तों बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति डैम सेंड्रा मिसन जी बनी थी। और दोस्तों मैकडेलना एंडरसन जी स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी। और नजला बोडेन जी ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में फिर से एक बार फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में श्रीकृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज बिहार राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अभी इस श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया दोस्तों, श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज का। तो दोस्तों बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी के नाम पर रखा गया है, इस ब्रिज का नाम श्री कृष्ण सेतु रखा गया है। तो दोस्तों बिहार राज्य के मुंगेर में गंगा नदी के ऊपर तीसरा रेल सड़क पुल है दोस्तों। और दोस्तों इस ब्रिज से रेलवे भी जाएंगी और वाहनों का आना जाना भी शुरू होगा। तो दोस्तों 396 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज बिहार राज्य में स्थित है। और यह ब्रिज 14.5 किलोमीटर लंबा है। यह ब्रिज NH333 यानी कि 333B पर गंगा नदी पर स्थित है दोस्तों। तो हाल ही में श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज बिहार राज्य में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को रिन्यूएबल एनर्जी से बदलने के लिए अभी हाल ही में लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों अभी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह जी ने 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को रिन्यूएबल एनर्जी से बदलने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इसी तरह की सभी रिन्यूएबल एनर्जी को डीजल से बदलकर कृषि क्षेत्र में अपनाने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह जी ने अभी लक्ष्य रखा गया है। और दोस्तों भारत 2047 तक यानी कि 2047 तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा दोस्तों। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को रिन्यूएबल एनर्जी से बदलने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में देवाशीष मिश्रा जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों वर्ष 2022-23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में देवाशीष मिश्रा जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों अनिकेत सुनील तलाटी जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इसी तरह से हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में देवाशीष मिश्रा जी को नियुक्त किया गया और अनिकेत सुनील तलाटी जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं।
तो दोस्तों हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पांचवें और अंतिम ऑफशोर पेट्रोल गश्ती यानी कि वेसल का नाम INS सक्षम रखा गया है। तो दोस्तों टोटल इस तरह के 5 जहाज बनाए गए हैं। तो तटीय सीमा की सुरक्षा के लिए और तटीय सीमा की निगरानी करने के लिए इन जहाजों का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पांचवें और अंतिम ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम INS सक्षम रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में महाराष्ट्र राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस को शुरू करने की घोषणा की। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी ने फरवरी 2022 में महाराष्ट्र राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। और दोस्तों भारत की पहली इस तरह की एक्सप्रेस होंगी और 4 फरवरी को अभी वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य पर महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी ने फरवरी 2022 में महाराष्ट्र राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डाबर कंपनी भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। तो दोस्तों आयुर्वेद उत्पाद निर्माता डाबर कंपनी भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान देश भर में से लगभग 27,000 मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करके इसे प्रोसेस और रिसाइकल किया है दोस्तों डाबर कंपनी ने। तो दोस्तों हाल ही में डाबर कंपनी ने भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मनोज तिवारी जी को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो दोस्तों भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी जी को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में मनोज तिवारी जी को खादी बिहार की खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य के विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट उत्सव मनाया गया। तो दोस्तों मरु उत्सव के नाम से भी जाना जाता है यह राजस्थान राज्य का विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट उत्सव। तो दोस्तों वर्ल्ड फेमस है यह डेजर्ट फेस्टिवल, अभी जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है दोस्तों यह उत्सव। तो यह उत्सव 13 फरवरी 2022 को पोखरण में शुरू किया गया। तो दोस्तों डेजर्ट फेस्टिवल का थीम क्या था? तो उम्मीदों की नई उड़ान, यह राजस्थान राज्य में विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट उत्सव की थीम थी दोस्तों 2022 की। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य में विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस डेजर्ट उत्सव मनाया गया, जिसे अपन मरु उत्सव के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 15 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में एयर इंडिया के नए MD CEO के रूप में इलकर ICG को नियुक्त किया गया। हाल ही में जनवरी माह के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी किगन पीटरसन और इंग्लैंड वुमेन टीम की कप्तान हेदर नाइट जी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के रूप में चुना गया। हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति फिर से एक बार फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज बिहार राज्य में स्थित है, इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को रिन्यूएबल एनर्जी से बदलने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में देवाशीष मिश्रा जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पांचवें और अंतिम ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम INS सक्षम रखा गया है। हाल ही में फरवरी 2022 में महाराष्ट्र राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस को शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में डाबर कंपनी भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई। हाल ही में मनोज तिवारी जी को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। हाल ही में राजस्थान राज्य में विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट उत्सव मनाया गया। तो दोस्तों यह थे 15 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जयशंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।